नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता। अब बिहार में सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे को दिया जा रहा है बढ़ावा। खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर आज जेनस फ्यूचर पब्लिक स्कूल में कराटे का बेल्ट टेस्ट किया गया, जिसमें 5 बच्चे ने येलो बेल्ट, 5 बच्चों ने ऑरेंज बेल्ट प्राप्त किए। वहीं 5 बच्चों ने साउथ कोरिया द्वारा ब्लैक बेल्ट को हासिल किया है। सभी बच्चों को जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संजय कुमार सिन्हा, जो कि 2019 से फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं स्कूल के 6 बच्चे को वर्ल्ड कप ऑन इस गेम में सिलेक्ट किया गया है, जो पूरे बिहार ही नहीं देश के लिए गर्व की बात है। 18 जुलाई से 24 जुलाई तक यह मैच फिलीपींस में खेले जाएंगे, जो कि बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनका मानना है कि सरकार के द्वारा उन्हें कोई भी खर्च नहीं दिया जाता है, जो कि बिहार और देश के लिए काफ़ी दुखद की बात है। सरकार को विशेष तौर पर इन बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और देश के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रांगण में 2019 से लगातार सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल जैसे बहुत सारे स्कूल की तैयारी करवाई जाती है। इतना ही नहीं, जीनस फ्यूचर पब्लिक स्कूल में बोर्डिंग और हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। आज का जो बेल्ट टेस्ट हुआ था और जितने भी बच्चे इसमें सफल हुए हैं, अब देखना यह होगा कि भविष्य में राज्य और देश के लिए क्या कुछ करते हैं और सरकार की तरफ से इन्हें क्या कुछ मदद मिलता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे के साथ। चलो और पीछे चल। Three, four, five.